नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। क्राइम पेट्रोल के माध्यम से हमने कई हाई प्रोफाइल और दिल दहला देने वाले अपराधों की कहानियां आप सब तक पहुंचाई हैं, और इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 दिन में 30 कहानियों की श्रृंखला, और इसमें हमारा साथ देंगे हमारे गेस्ट और देश के जाने माने क्राइम रिपोर्टर्स और एक्सपर्ट। और हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। अगले एक महीने मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं क्राइम पेट्रोल सतर्क में कुछ ऐसे अनसुने और अनदेखे केसेस जो मुझे लगता है कि आप दर्शकों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। टेक्नोलॉजी का मूल मंत्र यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारी जिंदगी को आसान करना था, जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों को हल करना था, लेकिन देखते ही देखते वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। इतना ही नहीं तो हमारे लाइफ को कंट्रोल भी करने लगी है, जैसे मानो टेक्नोलॉजी ने हमारे जिंदगी जीने का डीएनए ही बदल दिया है। बिल्कुल इसी तरह वक्त के साथ क्राइम और क्रिमिनल की रूपरेखा भी बदल गई है। हत्या, रेप, किडनैपिंग, ये तो हमारे देश में कॉमन है, लेकिन आज जिस क्राइम की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसने हिंदुस्तान की क्राइम की हिस्ट्री में एक ऐसे अपराध को जन्म दिया है जिसने क्राइम करने के तरीके को ही बदल दिया, या यूं कहे हिंदुस्तान की क्राइम के डीएनए को ही बदल दिया है। What do I do with these designs? Vishal, अगर तुमसे production manage नहीं हो रहा है तो बोल दो ना, नहीं हो पाएगा। मेरे designs की ना band मत बजवाओ। एक महीना रह गया shipment के लिए और तुमसे कुछ भी handle नहीं हुआ है अभी तक। Mom, I'm so sorry, I'll take it. You know what? Do not take it. पापा ने जो mistake किया ना तुम्हें promotion देके, I do not want to take that risk. तो जो कर रहे थे वही करो। Manager के सपने देखना तो छोड़ ही दो तुम। शोएब, प्लीज मेरा फोन पिकअप करो, अर्जेंट है। हेलो शोएब, अब मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? आई नो पापा ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, बट मैं तुम्हें कंपनी में वापस बुलाना चाहती हूँ। कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। ओ, तो मतलब सिर्फ अपनी कंपनी के लिए बुला रही हो? हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है तो ठीक है, तुम मुझसे शादी करोगी? भोजपुरी एक्टर चुमचुम का फोटो है। चल अंसारी, चल जल्दी मैसेज कर। अपना एक मैसेज भी अगर लकी ड्रॉ में आ गया ना तो अपने को 5 लाख और एक कार मिलेगी। भाई 5 लाख रुपए तू रख लेना, मैं तो कार ले लूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड को पटा के डेट पे लेकर जाऊंगा मैं। अबे वो लड़की नहीं पटने वाली तुझसे, वो उम्र में भी तुझसे बड़ी है और हैसियत में भी। उसका बाप मोटा आसामी है बे, और तेरा बाप जहर खुरानी करता था। अबे तो तेरा बाप कौन सा सत्संग करता था बे? जहर खुरानी तो अपने रगों में बसा हुआ है। हत्या, रेप और अपहरण, ये हमारे देश में बहुत ही कॉमन अपराध है, लेकिन ये जहर खुरानी क्या था? दरअसल इस नाम के पीछे एक अजीबोगरीब कहानी है, और इस कहानी ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसके बाद हिंदुस्तान की क्राइम हिस्ट्री में एक कुख्यात अपराध का जन्म हुआ। आपको पता है मैंने आज इटली के एक क्लाइंट से 40 करोड़ का ऑर्डर लिया है। I'm really proud of you, बेटा। Thank you, Dad. I gotta go. I'll quickly go and change, okay? लेकिन रूमी, बेटा वो प्रशांत की मदर का कॉल आया था। तेरे पापा के हार्ट अटैक की वजह से हमने तेरी शादी पहले ही पोस्टपोन कर दी थी, लेकिन अब वो ये शादी जल्द से जल्द कराना चाह रहे। कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता है कि मैं नेक्स्ट ईयर कितना बिजी हूँ। मेरा पूरा ध्यान बिजनेस पे जाने वाला है। मैं शादी करूंगी कि मैं बिजनेस संभालूंगी? आप एक काम करो ना, आप उनको शादी के लिए मना कर दो। कैसी बात कर रही है तू,
तेरी सगाई हो चुकी है और तू तो आप बोल दो कि मैं अब ये शादी नहीं करना चाहती। क्या बोल रही बेटा तू? डैड प्लीज डोंट फोर्स मी। आपको भी पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे बिजनेस संभालना है, पर वो विशाल जिसको अपने नया मैनेजर रखा है उसको कुछ काम नहीं आता है। आई कांट जस्ट हैंडल हिम डैड, इसीलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं शोएब को वापस ला रही हूँ कंपनी में। शोएब दिमाग खराब है तुम्हारा? पता है ना कितने घपले किए उसने ऑफिस में। डैड इवन यू नो कि शोएब ने कोई घपले नहीं किए हैं। आप दोनों जानते हैं कि आपने शोएब को क्यों निकाला था, बिकॉज आपको लगता है कि मेरा और शोएब का अफेयर था। अच्छा तो तू अब ये कहेगी तू शोएब से शादी करना चाहती है ना? मम्मा कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कहा कि मैं शोएब से शादी करूंगी, पर इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि मैं शोएब पे गलत इल्जाम लगने दूं। तो ये है वो 10 लकी विजेता जिन्होंने जीते हैं पूरे 5 लाख रुपए और एक ब्रांड न्यू कार। हमारे सभी विजेता साले रोज रोज ये सिखाते हैं हमारा। ए पागल हो गए क्या, टीवी को क्यों तोड़ रहा है? अरे ये फ्रॉड है यार ये सब कॉन्टेस्ट। साले एक मैसेज का 15 रुपए लगता है, हम दिन में 10-12 मैसेज करते हैं, हर मैसेज से ये लोग पैसा कमाते हैं। सो पूरे कंट्री में अगर 1 करोड़ लोग भी मैसेज करते होंगे ना तो एक दिन में 15 करोड़ रुपए कमाते हैं ये लोग। अबे तो हम लोग क्या कर लेंगे इनका पता? हम इनका कुछ नहीं कर सकते लेकिन अपना तो कुछ कर सकते हैं। मतलब अरे रूमी तुम रुको तो सही, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ। कमाल जी एक काम कीजिए, यही लेफ्ट में रोक लीजिए। जी मैडम। गाड़ी चला चल 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 चला चुप। तुम ऐसा करो मायापुरी आ जाओ, वही अपने पुराने मीटिंग स्पॉट पे। ए इधर नहीं इधर नहीं, आगे से लेफ्ट ले, मैं बताता हूँ कहाँ ले जाना है। लेफ्ट ले लेफ्ट ले। अच्छा सर, रूमी मैडम का एक बायर के साथ 3 बजे मीटिंग था लेकिन वो अभी तक ऑफिस ही नहीं पहुंची है। लेकिन वो तो सुबह ही चली गई है, रुको बात करता हूँ। सर मैंने उनको फ़ोन किया बट उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। इवन सर ड्राइवर को भी कॉल किया, उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। क्या दोनों का फ़ोन बंद है? अच्छा बेटा तो ले आवा, ये ले 1 लाख की चाल मेरी। अब चल मेरी भी 1 लाख की चाल। तो ले मेरी 2 लाख की चाल। मेरी भी 2 लाख की चाल। सो शिट मेरा तो नसीब ही खराब है। अच्छा वो कब तक आ रहा है मुझे क्या मालूम, तू पता कर। आपकी बेटी सुबह घर से कितने बजे निकली थी? सुबह 10 बजे और 3 बजे मुझे मालूम पड़ा कि आज ऑफिस ही नहीं पहुंची वो। पिछले 6 घंटे से मैं अपनी बेटी और ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। आप अपने बेटी और ड्राइवर का नंबर हमें दे दीजिए, हम पता करते हैं। और हाँ आपकी बेटी की गाड़ी का नंबर भी। टेंशन मत ले मेरे पास, तो मेरा झूठा खाएगी ना तो प्यार नहीं बढ़ेगा। कुछ नहीं मिलने वाला तुझे, अबे सबर करना। 7 घंटे तो हुए मिलते, इतना जल्दी प्यार कहाँ होता है। तेरे प्यार की तो जल्दी से आई लव यू बोल और प्यार का ठंडा खत्म कर बोल। अबे छोड़ उसको छोड़ उसको, जो भी होगा प्यार से होगा, जबरदस्ती नहीं करना प्यार से करेंगे। विक्रांत तुम समझने की कोशिश करो ना, थक गई हूँ रोज रोज के ड्रामे से, हम मुझसे और इंतजार नहीं होता। साथ में ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये देखो कल भी मारा उसने मुझे, ये देखो। तो प्लीज जल्दी इंडिया वापस आ जाओ। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ निकिता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता हम दोनों चाह के भी एक दूसरे के नहीं हो सकते। लेकिन मैं तुम्हें अपना मान चुकी हूँ
हो जाएगी बात डिवोर्स की तो वो भी फाइनल हो जाएगा, लेकिन तुम प्लीज जल्दी आपके ड्राइवर और रूमी के फोन महिपालपुर में एक साथ बंद हुए थे, लेकिन ये इलाका आपके घर या ऑफिस के रूट पे नहीं आता, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रूमी किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलने गई हो? नहीं, उसकी ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वो कहीं और जा ही नहीं सकती है। रूमी को आखिरी कॉल किसी शोएब नाम के लड़के ने की थी। आप जानते हैं किसी शोएब को? सब शोएब मेरी बेटी को बहका रहा था और उसके बहकावे में आकर मेरी बेटी उसे दोबारा जॉब पे रखना चाहती थी। मामा कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं शोएब से शादी करूंगी, पर इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि मैं शोएब पे गलत इल्जाम लगने दूंगी। बेटा, तू शोएब के इंटेंशन को समझ ही नहीं रही है। उसकी जगह ना तो हमारी कंपनी में होनी चाहिए और ना ही तुम्हारी जिंदगी में। मुझे पूरे यकीन है सर कि शोएब ने ही मेरी बेटी को गायब किया है। हेलो, निकिता राठौर जी, बोलिए। मैं कस्टम से बोल रहा हूँ। यूएस से आपके नाम का एक पार्सल आया है जो कि किसी विक्रांत देव ने भेजा है। हाँ, विक्रांत मेरा फ्रेंड ही है। आपको मालूम है कि उसमें उसने 15 लाख की ज्वेलरी भेजी है आपको? 15 लाख की ज्वेलरी? हाँ, इतना सोना पार्सल करना गलत है, ये एक ऑफेंस है। अब लेकिन सर वो 2 घंटे के अंदर अगर आप जयपुर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे तो स्मगलिंग चार्ज में आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। लेकिन सर, हेलो, बैठ रहिए, चलो साइड पीछे रहिए, बैठो सर। सर, यहाँ से गुजरने वाले एक आदमी ने इस लाश के बारे में बताया था। सर, इसकी पॉकेट से ये रूमी के ड्राइवर कमाल शेख का आईडी मिला। तो सर, मुझे लगता है कि कमाल को यहाँ पे मार के रूमी को यहीं से गायब किया गया। हेलो, अपनी बेटी रोमी की याद तो बहुत आ रही होगी ना? कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूँ। अगर अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहता है तो 7 करोड़ रुपए का इंतजाम कर। और हाँ, अगर पुलिस को तूने कुछ भी बताया ना तो अपनी बेटी को कभी देख नहीं पाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना तुम लोग। तुम जो बोलोगे करूंगा मैं, बस एक बार मेरी बात करा दो मेरी बेटी से। अबे, इसको मैं जेब में लेके नहीं घूम रहा हूँ, इसको MP पहुँचा दिया है। MP? सुनो, तुम ये सब शोएब के कहने पे कर रहे हो ना? देखो मेरी, ओए, अपना दिमाग लगाना बंद कर और पैसों का इंतजाम कर। और पैसे कहाँ लाने हैं वो मैं बताऊंगा, समझा? हेलो, आवाज से वो छोटी उम्र का लड़का लग रहा था। अपना दिमाग लगाना बंद कर। छोटी उम्र का लड़का? हाँ सर, बोल रहा था कि वो लोग रूमी को MP ले गए, पर जरूर ये शोएब का काम है। कॉल किस नंबर से किया था? ये देखिए सर, अलग अलग नंबर से 2 बार कॉल आया, एक बार सुबह 9 बजे और सुबह 9 बजे। आपको सुबह 9 बजे कॉल किया और आप हमें अब बता रहे हैं 7 घंटे बाद? सर, उसने धमकी दी थी कि वो रूमी को, तो डर गया था सर मैं। अब जब दोबारा कॉल आया तो मुझे लगा आपने। दोबारा कितने बजे कॉल आया? अभी 4 बजे। पैसों का इंतजाम कर लिया? हाँ, लेकिन मेरी एक बार रूमी से बात तो करा दो। अबे, क्या रूमी रूमी लगा के रखा है? बोला ना कोई बात नहीं होगी, तो 7 करोड़ रुपए जल्दी पटना लेकर आ जा। पहले बोल रहे थे कि MP ले गए, फिर बोलने लगे पटना ले गए। ठीक है, हम पता करते हैं कि दोनों कॉल आपको कहाँ से किए गए थे। ठीक है सर, लेकिन आप लोग जल्दी कीजिए, पिछले 24 घंटे से रूमी उन लोगों के पास है। आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। 1.5 लाख है। 1.5 लाख? अरे, लाखों की पॉलिसी है मामी के नाम, आप हमें 1.5 लाख रुपए में टरका रहे हो। अब तक करोड़ों की आसामी दे दी तुम दोनों को, उस लड़की के बाप से करोड़ों रुपए ले सकते हो तुम दोनों यार। हमने अगर फिरौती मांग ली ना तो बहुत बुरे फंस जाएंगे हम लोग। उसके साथ जो चाहे वो कर लेना, लेकिन जिंदा मत छोड़ना बस। सुबह से देख रहा हूँ कुछ परेशान लग रही हो, बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। प्यार से पूछ रहा हूँ तो भाव खा रही है? तलाक होने वाला है हमारा, जरूरी नहीं है सब कुछ बताऊं तुम्हें।
सब कुछ बताऊं मतलब? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे? अरे तुम बेकार में डर रही थी निकिता, ये सिर्फ पैसे खाने का चक्कर है। उस कस्टम वाले को 2.5 लाख रुपए की ब्राइब देनी है बस। 2.5 लाख? अरे 15 लाख का सोना छुड़वाने के लिए ये कमी है ना। उसने मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजा है, मैं तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ। फिर कल तक तुम्हारे पास 15 लाख के गहनों का पार्सल भी पहुँच जाएगा। ठीक है। सर रूमी के फादर को फिरौती के वो दोनों कॉल सतना से किए गए थे और सर दोनों ही नंबर फेक आईडी से लिए गए हैं। किडनैपर्स फोन पर बोल रहे थे कि रूमी को पहले उन लोगों ने दिल्ली से एमपी और फिर एमपी से पटना लेके गए। तो 7 करोड़ रुपए जल्दी पटना लेकर आ जा। वो लोग वाकई सच बोल रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं हमें। पक्का कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े एक लड़की की किडनैपिंग होती है, लेकिन रूमी अग्रवाल की किडनैपिंग किसी के प्रोफेशनल राइवलरी का अंजाम है, या रूमी किसी के नफरत की शिकार हुई है, या किसी के लालच या हवस का? पुलिस किडनैपिंग के मकसद को ही नहीं समझ पा रही। रूमी को गायब हुए 36 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रूमी का बॉयफ्रेंड शोएब शक के दायरे में जरूर है, लेकिन पुलिस किसी और एंगल पे काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि दूसरे एंगल और भी चौंकाने वाले हैं। लड़की की किडनैपिंग दिल्ली में होती है, फिरौती का कॉल एमपी से आता है, पैसों का इंतजाम कर लिया और फिरौती की रकम बिहार पटना में मंगवाई जाती है। तो 7 करोड़ रुपए जल्दी पटना लेकर आ जा। क्या पता अब किसी चौथे पांचवे या छठे स्टेट का नाम भी सामने आ जाए। आखिर ये खेल है क्या जिसे भापने में पुलिस भी नाकाम है? तुम उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, मैं उसको संभाल लूंगा। डरो मत, ये खाना खा लो। मैं गोली चला दूंगी। ए, बंदूक नीचे कर बंदूक। मैं गोली चला दूंगी। चला गोली। मैं सच में चला दूंगी मैं। अरे चला ना गोली। मैं तुझसे प्यार करता था और तूने मेरे साथ ही गन चलाने के लिए ना ये दबाना पड़ता है ये। अब तक तूने मेरा प्यार दिखाया, अब मेरी जबरदस्ती की। और कर ले प्यार, ओ प्यार के भूखे। हेलो। जी सर, शोएब बात कर रहा हूँ। तूने अपनी औकात दिखाई दी ना, बोल क्या चाहिए तुझे। लेकिन मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे। देखिए रूमी को कुछ नहीं होगा। देख मैं पुलिस से भी तुझे बचा दूंगा और 7 की जगह 10 करोड़ दूंगा। तू बस सही सलामत मेरी बेटी को मेरे घर छोड़ दे। ये देखिए सर, इस नंबर से शोएब ने मुझे कॉल किया था। वो बोल रहा था कि उसने रूमी को गायब नहीं किया, लेकिन झूठ बोल रहा है सर। मुझे पूरा यकीन है इसमें कोई चाल है उसकी। और वो जो दो बच्चे ने फोन किए थे ना, इसी ने करवाए थे सर। हम कुछ करते हैं, आप शांति रखिए। जो करना है जल्दी कीजिए सर, मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी। एक कम उम्र की शादीशुदा लड़की निकिता राठौर अपने ही घर में आत्महत्या कर लेती है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि निकिता और उसके पति सुशांत राठौर की आपस में बनती नहीं थी और वह जल्द ही अलग होने वाले थे। लेकिन क्या इतनी सी दलील काफी है सुशांत को शक के दायरे से बाहर करने के लिए? आमतौर पर मानसिक अवसाद से गुजरने वाला इंसान जब बिल्कुल अकेला पड़ जाता है तब माना जाता है कि वो शायद आत्महत्या का रास्ता अपना लेता है। लेकिन यहां तो सुशांत निकिता के साथ उसी घर में रह रहा था। क्या फिर भी सुशांत को निकिता की परेशानी नजर नहीं आई? क्या किसी टूटते रिश्ते में आपस में दो टुक बात करने की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है? अरे आप टेंशन मत लो, इस बार उसके बाप को बोल देता हूँ, उसकी बेटी रांची में है और वो 7 करोड़ रुपए रांची में लेकर आ जाए। ये जर्मन कॉल सेंटर, जर्मनी से नहीं इंडिया में से कहीं से ऑपरेट किया जा रहा है और ये कॉलर कई मॉलवेयर रूट जंप करते हुए जर्मन सिटीजन्स को कॉल करते हैं। हमें इन कॉलर्स को ट्रेस करना है। मिनिस्ट्री से प्रेशर है, आई नीड रिजल्ट, वी हैव टू डू इट फास्ट, अंडरस्टैंड? सर सर अलवर का एक केस है सर,
प्लॉट तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए का है। 2.5 लाख? दो घंटे के अंदर अगर आप जयपुर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे तो स्मगलिंग चार्ज में आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। लेकिन इस फ्रॉड की वजह से निकिता नाम की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। अगर किसी की जान गई है तो मायने पैसा नहीं रखता, जिंदगी रखती है। केस क्या है? अलवर पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है, ये उसकी रिपोर्ट है। निकिता का फोन देखा हमने, इसमें विक्रांत के नाम से एक नंबर फीड किया गया, लेकिन वो नंबर किसी फेक आईडी से लिया गया था और उस नंबर से निकिता के नंबर पर दीपक चौधरी के बैंक अकाउंट की डिटेल भेजी गई। फिर आपके और निकिता के ज्वाइंट अकाउंट से दीपक को 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। सर मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि निकिता उनके चंगुल में फंस चुकी थी। लेकिन निकिता उन लोगों के टच में कैसे आई? सर वो मुझे नहीं पता, वैसे भी हम लोगों का डिवोर्स होने वाला था, लेकिन सर मैंने अक्सर निकिता को किसी लड़के के साथ वीडियो कॉलिंग पर बात करते हुए जरूर देखा। तो तुमने कभी उस लड़के को निकिता के साथ देखा था? नहीं सर, उस लड़के को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन सर जब हमारे ज्वाइंट अकाउंट से 2.5 लाख रुपए कटे ना, तब मैंने निकिता से पूछा। सब जानता हूँ मैं, डिवोर्स से पहले कंगाल करना चाहती है ना, बताओ बताओ किसको दिया पैसा मेरा? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। सर निकिता ने मुझे बताया कि उस लड़के ने US से 15 लाख की ज्वेलरी निकिता को भेजी जो कस्टम में फंस चुकी थी, और उस लड़के के कहने पे निकिता ने हमारे ज्वाइंट अकाउंट से 2.5 लाख की घूस दी उस कस्टम वाले। सर मैंने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। और सर उसने कभी ये घड़ियाली आंसू बंद कर, अगर इतना भरोसा नहीं करता था तो उसके साथ रह क्यों रहा था? मारपीट करता था ना उसके साथ? इसमें 1.5 लाख रुपए थे, कहाँ गए? मैंने रख लिया। अरे तो उसमें आधा पैसा मेरा भी है। तू 12 लाख माइनस में है, 75 घटा दे 11.5 लाख बच गए, समझा? अबे साले वो तो अलग हिसाब है, मुझे मेरे पैसे वापस कर। मैं नहीं देता। चल अबे मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे नहीं दे रहा ना। अरे तो धक्का क्यों मारे? मुझे पैसे नहीं देना। अबे तो मुझे पैसे चाहिए ना। अरे पैसे तो मुझे पैसे चाहिए। अरे मुझे पैसे चाहिए। अरे मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे पैसे नहीं, मुझे पैसे चाहिए। देख बहुत मजी ले ली इससे, ठीक है? अब इसको खत्म करते हैं, वरना ये भाग गई ना तो बहुत पंगा हो जाएगा। चल चल, जब तक ये अपनी मौत नहीं मरती इसको प्यार दूंगे। हे अपना वाला प्यार, तू पागल हो गया क्या? हाँ आजा। वो लोग मुझे 7 करोड़ लेकर रांची बुला रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग? शोएब को तो पकड़ नहीं पाए अभी तक। अभी DCP साहब से बात करता हूं मैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। सर दीपक चौधरी का बैंक अकाउंट 5 साल पहले ओपन हुआ था और मैं इस ब्रांच में 3 साल पहले से। मेरे रहते तो कभी दीपक ने यहां विजिट नहीं किया। उसकी सारी ट्रांजेक्शन नेट और मोबाइल बैंकिंग थ्रू होती। लेकिन इसके अकाउंट के साथ जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो अब बंद है, और जो एड्रेस दी है वहाँ पे ये रहता नहीं, और बंदे के अकाउंट से लाखों का ट्रांजैक्शन होता। ऑक्यूपेशन क्या मेंशन किया इसने? सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस प्रोवाइडर, बस सर यही डिटेल्स है इसमें। अब अगर इसका अकाउंट फ्रीज किया तो ये अलर्ट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन करता रहेगा तो इस तक पहुँचने का सोर्स मिल सकता है। शास्त्री जी अब प्लीज़ मेरे लिए काम करिए, किसी भी बहाने से इस दीपक को एक बार ब्रांच में बुला लीजिए। जी सर मैं समझ गया। सर मैंने जयपुर एयरपोर्ट पर पता करवाया पर मैं दीपक चौधरी नाम का कोई भी कस्टम ऑफिसर नहीं है। ये दीपक चौधरी बहुत पहुंची हुई चीज़ है और विक्रांत ये भी इससे कनेक्टेड हो सकता है। हमें पता करना है कि निकिता इनके टच में कैसे आई, कैसे इन लोगों ने निकिता को ट्रैप किया। निकिता का सोशल मीडिया अकाउंट खंगालो। यस सर। मैंने कहा था किस इंटरनेट के चक्कर में मत पड़, देखा क्या हो गया? तो मैं क्या करूं मम्मी, अगर इस जॉब के लिए मुझे स्कूटी की जरूरत नहीं होती ना तो मैं सब कभी नहीं करती। अवनी हम लोग पहले से ही पैसों के लिए बहुत मोहताज हैं और तूने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अरे इतनी पढ़ी लिखी है, कम से कम इतनी तो अक्ल होनी चाहिए किस पे विश्वास करे और किस पे नहीं। अब कहां जा रही है, बात कर। तो क्या करूं मम्मी, अब मर जाओगे आप? पागल हो गई है क्या, मरने की बातें कर रही है? इस दीपक के अकाउंट में ज्यादातर पैसा 7 इवल्ट अकाउंट से आता है।
और ये सातों ई वॉलेट अकाउंट अलग अलग स्टेट के हैं। इनमें से किसी भी ई वॉलेट अकाउंट के साथ लिंक्ड मोबाइल अब एक्टिव नहीं। और एक बात, इनमें से किसी के भी अकाउंट से जब पैसा दीपक के अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो तुरंत कैश भी विड्रॉल हो जाता है। इसमें सिर्फ दीपक और ये लोग नहीं बल्कि ये कुछ बड़ा गैंग। निकिता से नकली कस्टमर ऑफिसर बनकर बात करने वाला भी दीपक से कनेक्टेड हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है कि वो कॉल करने वाला वो दीपक ही हो? अब ये दीपक और इसके गैंग तक पहुंचने का एक ही जरिए, ये सात ई वॉलेट अकाउंट होल्डर्स, सबकी कुंडली खंगाल। देखिए हमें निकलना होगा, फ्लाइट का टाइम हो गया। चलिए हमने इन सातों ई वॉलेट अकाउंट को स्टडी किया तो पता चला कि इन अकाउंट्स में देश के लगभग हर कोने से और कई लोगों के अकाउंट से पैसा आता है और इन सभी लोगों के साथ अलग अलग तरह के फ्रॉड हुए हैं। पर एक बात सर, ये शिमला वाले सुमेर सिंह के ई वॉलेट अकाउंट में मेरठ की अवनी गर्ग नाम की एक लड़की के ई वॉलेट अकाउंट से पहले 5,000 रुपये ट्रांसफर हुए और उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद 50,000 रुपये UPI के थ्रू ट्रांसफर हुए और एक मिनट के अंदर ही अंदर सुमेर सिंह के अकाउंट से दीपक के अकाउंट में 55,000 रुपये ट्रांसफर हुए सर। और खास बात यह सर, पता चला है कि कुछ ही टाइम पहले अवनी की एक हिट एंड रन केस में मौत हो गई। लड़की के साथ हुए फ्रॉड का हिट एंड रन केस से क्या कनेक्शन है? Is it a murder? मेरठ पुलिस को भी ऐसा ही कुछ डाउट है सर, पर कुछ कह नहीं सकते कि अपनी के साथ हुए इस फ्रॉड में और हिट एंड रन केस में आपस में क्या कनेक्शन है। लड़की की फैमिली में कौन कौन है? साहब, मेरी बेटी अवनी डिलीवरी देने वाली एक जॉब करना चाहती थी जिसके लिए उसे एक पुरानी स्कूटी चाहिए थी। और पुरानी स्कूटी कहां से खरीदना चाहती थी? इंटरनेट पे है ना, RLX करके, जहाँ पे पुराना सामान बेचा जाता है। मम्मी ये देखो कैसी स्कूटी है। ये ना RLX का पोर्टल है, यहाँ पे ओनर डायरेक्ट ऐड डालते हैं सेल करने के लिए और सिर्फ 37,000 प्राइस लिखा है। मैं इसको फ़ोन करके और कुछ कम करवा लेती हूँ, अभी कॉल करती हूँ। फिर अपनी ने उस आदमी से फ़ोन पे स्कूटी के दाम कम कराए और उस आदमी के कहने पर अपनी ने उसके खाते में पहले 5,000 डलवा दिए। लेकिन आपने तो 5,000 की जगह 50,000 डलवा दिया। 50,000? आप टेंशन मत लो, मैं आपका 45,000 आपको वापस कर दूंगा। मैं आपके अकाउंट में UPI से पेमेंट करूं? UPI? मैं आपको पेमेंट रिसीव करने की एक रिक्वेस्ट भेजता हूं। आप QR कोड स्कैन करके अपना पिन डाल दीजिए, तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। और आप लाइन पर रहिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको रिक्वेस्ट मैसेज आया? एक सेकंड। हाँ सर, आपका मैसेज रिक्वेस्ट आया है। उसको स्कैन कर लीजिए। जी। हाँ सर, मैंने स्कैन करके पिन डाल दिया है। साहब, उस आदमी ने अपनी को ऐसा पागल बनाया कि उसके बाद अपनी के खाते से 50,000 और कट गए। फिर उसने अपनी का फोन उठाना ही बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि इन फ्रॉड्स का शिकार सिर्फ अशिक्षित वर्ग होता है, बल्कि शिक्षित वर्ग भी और कई नामी हस्तियां भी इन फ्रॉड्स का शिकार हो चुकी हैं। साइबर क्राइम अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स पता करने तक ही सीमित नहीं रहा है। आपका OTP नंबर पता करने के लिए सिम स्वैपिंग के गुण भी ऐसे अपराधियों ने इजाद कर लिए हैं। ये क्रिमिनल्स आपको ईमेल और मैसेजेस के जरिए लुभावने एनक्रिप्टेड लिंक्स भेजकर भी आपको चूना लगा सकते हैं। ऐसे लिंक्स पर किया गया आपका एक क्लिक आपका खाता साफ कर सकता है। और अनसिक्योर्ड मोबाइल एप्स भी ऐसे क्रिमिनल्स का हथियार हैं, जो फोन मिररिंग का काम करती है
और फिर आपकी फोन बैंकिंग एप्स को कंट्रोल करके ये क्रिमिनल्स आपको ऐसे कंगाल कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि साइबर क्राइम का ये नेक्सस और उनके ऑनलाइन फ्रॉड्स भले ही निकिता की आत्महत्या की वजह बने, लेकिन अवनी के मर्डर का इस नेक्सस से क्या लेना देना था, और रूमी जिसको दिल्ली से अगवा किया गया था उसके साथ क्या हुआ। हेलो एलएनसी बैंक। जी मैं दीपक चौधरी बोल रहा हूँ। मेरा आपकी बैंक में अकाउंट है जिसके बारे में मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है। सर दीपक चौधरी का फोन आया, वो आपसे बात करना चाहता है। तुरंत उसका कॉल ट्रांसफर करो। जी मुझे जानना था, मुझे आपके बैंक से एक मेल आया है जिसमें लिखा है अगले 24 घंटे में मेरे ट्रांजैक्शन सस्पेंड हो जाएंगे और मुझे आज एक अर्जेंट ट्रांजैक्शन करना है। दीपक जी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर काफी दिनों से बंद था, तो सिक्योरिटी पर्पस से हमने आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। और सिर्फ आपका नहीं, ऐसे हमने बहुत सारे अकाउंट फ्रीज किए। जी वो मेरा फोन खो गया था। डोंट वरी दीपक जी, आप एक काम कीजिए, आप किसी दूसरे नंबर को अपने अकाउंट से लिंक कर लीजिए। आप जब भी आपके पास वक्त हो आप 2 मिनट के लिए बैंक आ जाइए, आपका काम हो जाएगा और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ये देखिए सर, आरएलएक्स के पोर्टल से स्कूटी का वो एड्रेस भर चुका है जिससे अवनी के साथ फ्रॉड हुआ था। ये लोग आए दिन ऐसे पोर्टल पर इस तरह के फेक एड डालते रहते हैं। इस पोर्टल की टीम से कॉन्टेक्ट करो, हमें उस आईपी एड्रेस को ट्रेस करना है जहाँ से स्कूटी का फेक एड डाला गया था। सर हेलो, बैंक अकाउंट भले ही मेरा है लेकिन मैं उसे ऑपरेट नहीं करता था। मैंने अपना बैंक अकाउंट रेंट पे दिया था। रेंट पे दिया था? नाम बोल। 5 साल पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था, तब मेरी दोस्ती नवीन नाम के एक लड़के से हुई थी, उसी ने मेरा अकाउंट रेंट पे लिया था। तो तेरे अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नवीन इस्तेमाल करता था? सर नवीन नहीं तो उसके लोग यूज करते होंगे सर, मेरे जैसे बहुत लोगों के अकाउंट हायर किए उन्होंने। और ये नवीन की फोटो है कोई तेरे पास? 5 साल से मैं मिला नहीं उससे। स्केच बनवा सकता उसका? पांच साल पहले इसी ने मेरा अकाउंट रेंट पे लिया था। इस नवीन मंडल का स्केच सब जगह सर्कुलेट करो और जिस जिस नंबर से दीपक को कॉल करता था सबको ट्रेस करो। दिल्ली पुलिस से पता चला है कि नवीन मंडल 5 साल पहले दिल्ली में हुई रूमी नाम की एक लड़की की किडनैपिंग और उसके मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है और ये पिछले 5 साल से गायब है। 5 साल पहले हुए रूमी किडनैपिंग और मर्डर केस में इस नवीन मंडल और उसका दोस्त यूसुफ अंसारी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में हमें रूमी के ड्राइवर कमाल के जरिए पता चला था। पहले हमें लगा था कि कमाल भी विक्टिम था, लेकिन उसके बाद कमाल की जो लाश हमें रूमी के गाड़ी के पास मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हमें पता चला कि वो लाश किसी 30 साल के आदमी की थी जबकि कमाल की एज 40 साल के ऊपर थी। फिर जब हमने कमाल को डीकोड किया तो पता चला कि कमाल का भांजा यूसुफ अंसारी और उसका दोस्त नवीन मंडल इस पूरे किडनैपिंग के दौरान कमाल के साथ टच में थे। हमने बहुत कोशिश की लेकिन आज तक इस नवीन मंडल, यूसुफ अंसारी और कमाल को पकड़ नहीं पाए। मैं तो उन लोगों को पैसे देने के लिए तैयार भी था, इनफैक्ट दिल्ली पुलिस के साथ 7 करोड़ लेके रांची भी गया था। सर शाम से रात हो गई लेकिन वहाँ कोई नहीं आया, उसके बाद 2 लड़के आए और बैग लेके भाग गए। पुलिस ने कोशिश की लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाया, पैसे भी गए और उसके बाद दिल्ली में रूमी की मंडल, अंसारी और कमाल ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं बल्कि मर्डर और रेप केस में भी इन्वॉल्व, हमें इन सब तक जल्द से जल्द पहुँचना। जी सर। और सर ये मंडल दीपक को जिन नंबर से कॉल करता था वो सभी नंबर्स फेक आईडी से लिए गए नंबर से और इन नंबर्स की लोकेशन ज्यादातर जामताड़ा है। जामताड़ा। हेलो 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 सर, मैं एबीएस बैंक से बोल रहा हूँ। सर क्रेडिट कार्ड के पीछे से सेवी नंबर है। 1 2 3 जी मैं एसबीआई बैंक के। साइबर क्राइम का एक ऐसा गढ़ जहाँ से होने वाले फ्रॉड्स भारत में ही नहीं बल्कि यहाँ से दूसरे देशों के कई लोगों को भी नुकसान पहुँचा चुके हैं।
और अब पुलिस दो लड़कियों के मर्डर केस और एक सुसाइड केस सॉल्व करने के लिए जामताड़ा का रुख कर रही थी। सर जय अंसारी मंडल और कमाल इन तीनों के फोटो भेजे थे आपको, पता किया? हाँ सर पता किए, कोशिश जारी है, लेकिन यहाँ पर तो सर हर कोई मंडल और अंसारी है। बैठिए ना। That's okay. कहने का मतलब कि खाली शक के बिना पर कितने मंडल और अंसारी को अंदर करते, और वैसे भी हमारे पास ऑनलाइन फ्रॉड का कोई प्रूफ तो था नहीं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ फ्रॉड केस के लिए नहीं, मर्डर केस के लिए भी आए हैं। सर आपका बात हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर खबरी नेटवर्क भी काम नहीं आता है। जब तक वो तीनों मिल नहीं जाते हम यहाँ से जाने वाले नहीं। सबसे पहले पूरे इलाके को सील करवाइए। जिन मुजरिमों की तलाश में हम यहाँ पर आए हैं अब वो भागने की फिराक में होंगे। इलाका सील करवाइए, उसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे। महल देख रहे लोगों के ऑन एन एवरेज यहाँ पर 150 से 200 करोड़ का फ्रॉड होता है। उसी फ्रॉड की बदौलत लोगों ने महलों जैसे घर बना रखे हैं यहाँ पे, और ये मोबाइल टावर्स, इनसे इनको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिलता है जिससे ऑनलाइन फ्रॉड करने में आसानी होती है, इसलिए यहाँ आसपास रहते हैं। एक मिनट सर, सर हेलमेट लगा लीजिए। सर यहाँ से पूरी सावधानी से जाने ही भलाई है, कोई भरोसा नहीं है सर, कभी कभी पत्थरबाजी भी हो जाती है। इधर फोटो को ध्यान से देखो, तुम दोनों को यहाँ पे देखा? अरे ध्यान, अरे बाप इसको तो बहुत चोट लगा है। एक काम करो, हॉस्पिटल शिफ्ट करो। सर हम बोले थे ना आपको, यहाँ के लोग का कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, सबके सब इन्वॉल्व है सर। हर घर में एक एटीएम मास्टर है। एटीएम मास्टर? हाँ सर, वो ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को यहाँ पर एटीएम मास्टर बोलते हैं। लंबा इतिहास रहा है यहाँ का। ये एटीएम मास्टर के पहले ये इलाका जहर खुरानी के नाम से प्रसिद्ध था। बहुत पुराना जहर खुरानी सर। वो जब ट्रेन आती थी गांव में तो लोकल लोग चढ़ जाते थे और पैसेंजर्स को नशे या जहर की चीज़ें खिला के उनको लूट लेते थे। तब ये लोग उठाई गिरी थे सर, आज सबके सब एटीएम मास्टर बन गए। पता चला है कि अंदर गांव में कहीं ये लोग स्कूल भी चलाते हैं। स्कूल? हाँ सर। कैसा स्कूल? वो लोकल लड़कों को वहाँ पर फ्रॉड करना सिखाते हैं, लेकिन इतने सालों में हम बहुत पता किए सर, एग्जैक्टली वो स्कूल कहाँ पर है पता नहीं चल पाया। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जंगल में मोबाइल टावर्स के पास ये लड़कों का झुंड आता और वहाँ आके कॉल्स करते, करेक्ट? जी सर। तो फोर्स लेकर जाते हैं, उठाते हैं साला को। कोई फायदा नहीं होगा सर, इधर हम जंगल में घुसेंगे उधर गाँव में अंदर तक खबर फैल जाएगी, सब भाग जाएंगे। तो हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हमारे जंगल में होने की किसी को भनक तक ना लगे। क्यों ना हम रात को ही वहाँ पर छुप जाएं, फिर लड़के सुबह सुबह वहाँ पर आते हैं, जैसे ही अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे दबोच लेंगे सालों को रंगे। और हो सकता है हमें मंडल अंसारी और कमाल की खबर भी मिल जाए। ये लोग तो उन तीनों के बारे में कुछ नहीं बता रहे। ये लोग भले कुछ नहीं कह रहे लेकिन अंसारी मंडल और कमाल पक्का भागने की कोशिश करेंगे। नाकाबंदी में ढील मत करना सर। पीछे पीछे पीछे। अरोत अरोत। सर एक गुरु लड़की गाड़ी है, 4125 नंबर है, अभी अभी नाकाबंदी से बचने की कोशिश की है सर। हम अभी पहुंच रहे हैं। ओ सर एक गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आई है, वो लोग नाकाबंदी से भागने की कोशिश कर रहे हैं।
साहब, इतना मत चमकाइए, दो दिन में जमानत पर बाहर आ जाएंगे हम। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि हमने फ्रॉड किया है? किडनैपिंग और मर्डर भी किया, इसके पक्के सबूत है हमारे पास। आज से 5 साल पहले तुम लोगों ने रूमी के ड्राइवर के साथ मिलकर उसका किडनैप किया, उसका रेप किया और मार दिया उसे। क्या सोचा था, कभी पकड़े नहीं जाओगे? अब खुद बोलोगे या उल्टा लटका है? सुमित साहब, बताते हैं। सब वो दिल्ली में फोटो पहचानो कॉन्टेस्ट में लगातार पैसा हारने के बाद हम लोगों ने सोचा कि कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए, तो हम लोगों ने मिलकर प्लान बनाया। यार ये लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए ना, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। देखना क्या लगती है, देखना। ये लड़की तेरी जिंदगी में आने से रही, लेकिन इस लड़की से हमारी जिंदगी बदल सकती है। कैसे? बस तुझे अपने मामा को पटाना होगा। मामा डायरेक्ट किडनैपिंग में शामिल होते तो सीधा से उन पे जाता था और हम भी फंस जाते थे सर। हमने मामा को विक्टिम बनाने का प्लान बना लिया था सर। हमने एक बंदे को टेम्पो में पहले से बंद करके रखा था, फिर उसको मामा के कपड़े पहनाकर उसको तुम लोगों ने रूमी को दिल्ली में रखा था, तो फिरौती के लिए एमपी से पैसे कौन मांग रहा था? सब मेरा चचेरा भाई है विकी, फिरौती के लिए कॉल करवाने का उससे मेरा ही प्लान था। कमाल मामा और अंसारी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। जब रूमी का बाप फिरौती की रकम लेकर रांची रवाना हुआ तब मैंने उनको ये बात बताई। सर एक ही किडनैपिंग और मर्डर करने के बाद हमें समझ में आ गया था कि बहुत ज़्यादा रिस्की क्राइम है। फोटो पहचानो कॉन्टेस्ट में जिस तरह हम बकरा बने, हमें भी ऐसे ही गोरख धंधे को ढूंढना था। उसके लिए हम जामताड़ा आ गए और बैंक एग्जीक्यूटिव बन के लोगों के बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नंबर और CVV नंबर उगलवा के उनको लूटने लगे। सर हम रोज़ किसी ना किसी को बकरा बना ही लेते थे सर। उसके बाद ये बैंक वालों ने OTP का सिस्टम लगा दिया था सर। हमारी मुश्किलें बड़ी जरूर, लेकिन उसको उगलवाने का तोड़ भी निकाल दिया था सर। देखिए मुझे अपने ई वॉलेट अकाउंट में पैसा रखना है। मैं आपको अपने UPI अकाउंट से आपको पैसा सेंड कर दूंगा। बहुत ईजी है, मैं आपको पेमेंट रिसीव करने की एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ। जामताड़ा में इतने सारे लोगों को तुम लोगों ने ट्रेन किया? हाँ, हमको देख के सब हमें ATM मास्टर बुलाते थे। धीरे धीरे हमने सबको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए हम उनसे कमीशन भी लेते थे सर, और आज पूरे इलाके को ट्रेन कर दिया है। आज देश के हर कोने में हमारे सिखाए हुए लड़के सबको चूना लगा रहे। अब हम तुम लोगों को चूना, कत्था, सुपारी, इलायची सब लगा रहे। नहीं सर, तुम लोगों ने सिर्फ रूमी का मर्डर और किडनैपिंग किया, तुम लोगों की वजह से कई मजलूम लोगों ने खुदकुशी की। तुम लोगों ने ऐसे गरीब लोगों को भी लूटा जिनके लिए 500 रुपए भी बहुत बड़ी रकम थी। किसी को नहीं बख्शा तुम लोगों ने। अब ये बताओ अवनी को क्यों मारा? साहब हमने अवनी को नहीं मारा साहब, हमने तो बस उसके साथ फ्रॉड किया था साहब। देखिए और कमाल, ये दोनों कहाँ हैं? अरे खड़ा हो जल्दी, फटाफट से खड़ा हो, कपड़े पहन। अरे अलवर वाली निकिता का नहीं, रूमी का केस भी खुल गया है, जल्दी कर। और तुझे मालूम पड़ा, पुलिस ने मंडल और रूमी को भी पकड़ लिया है। निकिता राठौर और अवनी गर्ग हमारी इस क्राइम की कहानी की ऐसी पीड़िता थी जिनकी जानें बच सकती थी अगर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में वो थोड़ा सजग और सतर्क रहती। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि टेक्नोलॉजी की आड़ में कोई हमारा गलत इस्तेमाल ना कर ले। याद रखें, रेप, हत्या और किडनैपिंग के मामलों में विक्टिम का विवेक भले ही काम ना करे, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड को तभी अंजाम दे सकते हैं जब जाने या अनजाने में आप उसे ऐसा करने की अनुमति दें। और ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि पिछले कई सालों में नवीन मंडल और यूसुफ अंसारी जैसे लड़कों ने एक ऐसा नेक्सस फैला दिया कि जामताड़ा अब साइबर क्राइम का केंद्र बन गया। लेकिन सिर्फ जामताड़ा ही नहीं, देश के कई नामी शहर ऐसे जामताड़ा की गढ़ बन रहे हैं और न जाने कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर ये अपराधी हमें लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी एक छोटी सी लापरवाही हमें ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बना सकती है, इसलिए हम सबको हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।